हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे भी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइएगा, आप बताइएगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाते हैं। और जो आंसर नहीं आते हैं वो मैं बताऊँगा, और जो आंसर आपसे आते होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, लगातार इसी तरीके के वीडियोस लेने के लिए नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। मैं आशा करता हूँ कि आपको टेस्ट जरूर पसंद आएगा और आप इस टेस्ट को लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में भी शेयर जरूर करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार है। आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड मिलेंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पहले का ए है, बी है, सी है, डी है, आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो बिल्कुल सही है अगर आप यहाँ पे पहले का राइट आंसर ऑप्शन सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो आशा करता हूँ कि आपने आंसर दे दिया होगा। 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है? तो बिल्कुल सही अगर आप यहां पे ऑप्शन डी लगा रहे हैं। देखिए, आंसर देने की जरूर कोशिश करिए, जितना आप आंसर देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा आंसर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो आप इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो बिल्कुल सही है अगर आप 5वें का ऑप्शन ए लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधन कहा जाता है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 7वें का राइट आंसर अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, जीवन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है? बिल्कुल सही, यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी संति कोशिकाओं का निर्माण होता है? क्वेश्चन नंबर 10, तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 11वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जिन उपस्थित होते हैं? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, डीएनए का द्विकुंडली प्रारूप किसने दिया? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से पुत्र का जन्म होगा? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, शिशु का पितृत्व सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 17, जिनका सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? तो बताइएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी 16 हो गया ना, हाँ 17 का बताइए, 17। तो बिल्कुल से यहाँ पे 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो बिल्कुल से यहाँ पे 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। तो 19 है आपका, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो 19 का यहाँ पे देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अवशोषी अंग नहीं है? तो देखिए 20 का भी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 21, डीएनए का प्रमुख कार्य है? तो 21 का देखिए राइट आंसर यहां पे ऑप्शन डी हो जाएगा। 22, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवहन हेतु अनुवांशिक गुणों के उत्तरदायी होते हैं? 22वां बताइए भाई, 22वें का राइट आंसर क्या रहेगा? तो 22वें का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से मनुष्यों में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? 23 बताइए। तो बिल्कुल सही है, 23 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 24, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में आपको बताना है, चार ऑप्शन है यहाँ पे, ए बी सी डी क्या क्या हो सकता है? तो बिल्कुल सही है यहाँ पे आपका, 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बिल्कुल सही, यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 25, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आपका आ जाता है और यहाँ पे इसमें कन्फ्यूजन सा भी रहता है थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरीके से चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखिए आप आंसर लगाइएगा कमेंट बॉक्स में। तो बिल्कुल सही, यहाँ 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस जंतु में अमरत्व का गुण पाया जाता है?
यहाँ पे 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 28, निम्नलिखित में से नियतापी प्राणी कौन सा है? तो 28 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। 29, सबसे विशाल जीवित स्तनपाई है? तो सभी को पता होगा इसका, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। 30, एम्फीबिया वर्ग के जंतु कहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, 31, विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो 31 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 32, पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। देखिए 32 का राइट आंसर बताइए। 32 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। 33, पक्षियों की हड्डी होती है? तो 33 का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन ए हो जाएगा। 34, स्तनियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 34 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। 35, स्तनधारी वर्ग के किस जंतु में रक्त का तापमान सर्वाधिक पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है भाई, डायनासोर थे? तो बिल्कुल से यहां पे 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है भाई, 37, तो 37 यहां पे है आपका, विषैले सर्पों में विष ग्रंथियां परिवर्तित रहती हैं। तो बिल्कुल से यहाँ पे 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 38, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली है? तो 38 का यहाँ पे देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 39, शीत रक्त वाला प्राणी तो बिल्कुल से यहां पे 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। 40, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? 40 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सही, अगर आप यहाँ पे 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए लगा रहे हैं।
41 निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो 41 का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तो 42 का यहां पे राइट आंसर बी हो जाएगा। 43, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो बिल्कुल से यहां पे 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 44, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? तो बिल्कुल से यहां पे अगर आप 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी लगा रहे हैं। 45, निम्नलिखित में संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। तो बिल्कुल से यहां पे 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो बिल्कुल से यहां पे 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 47, मानव शरीर में इच्छा अनुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो 47 का देखिए राइट आंसर यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 48, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो 48 का यहां पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, चेतना ऊतक के नाम से जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो बिल्कुल से यहां पे 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो बहुत सही, अगर आप यहां पे ऑप्शन सी लगा रहे हैं सभी को पता होगा।